2015 से ही जब मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने दावा किया था जो रेवाड़ी में मीटिंग हुई फौजियों की और बहुत बड़ी जबरदस्त रैली हुई जिसमें मोदी जी ने संबोधित किया और उसमें उनसे वादा किया कि वन रैंक वन पेंशन को हम देंगे, और उसके बाद जो उन्होंने दी है वो देना ना देना बिल्कुल एक ही जैसा हो गया साथियों। और इसीलिए उसी दिन से 2015 से ही लगातार आंदोलन, जो हमारे जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो लगातार कर रहे हैं। तो सरकार को नहीं पूछना चाहिए कि भाई जब हमने एक बार आपको दे दिया तो क्यों कर रहे हैं आप। स्वाभाविक है, कोई ना कोई उनकी ग्रीवांसेस होंगी, कोई ना कोई उनकी दिक्कत होंगी, कोई ना कोई उसमें बाधा है, कोई ना कोई उसमें असमानता है, इसीलिए ना वो आंदोलन कर रहे हैं। तो जो वहां पर जवान सैनिक आंदोलन कर रहे हैं उनके अनुसार उनका कहना यह है कि ये जो पेंशन वन रैंक वन पेंशन दी गई है, कहा गया है, लेकिन इसमें भेदभाव आज भी जारी है, जो का त्यों भेदभाव चल रहा है, सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 2013 में जो बात कही गई थी उसमें यह था कि एक अगर सैनिक का समान रैंक है, समान उसकी जो है सर्विस की लेंथ है, यानी माना एक व्यक्ति ने, एक सैनिक ने, एक जवान ने, माना वो हवलदार है और उसने 25 साल सर्विस की है फौज में, तो इस तरह के जितने हो, माने जितने भी हो हवलदार, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे जो वो नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, उन सब की अगर सर्विस की लेंथ 25 साल है और रैंक उनका हवलदार है तो उनको एक ही तरह की पेंशन दी जाएगी। दूसरा साथियों, जो पेंशन दी जाएगी उस पेंशन में एक ही सबका ग्रुप होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है, हुआ बड़ा भेदभाव है साथियों, कि जो ऑफिसर्स हैं उनका केवल एक ही ग्रुप है, और आप देखिए जो ऑफिसर्स हैं उनको 24% से लेके 28% तक उनकी पेंशन में वृद्धि हुई। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। अब यही आप देखिए कि जो जवान्स हैं, जो जेसीओज हैं, जेसीओज लेवल तक के जो हैं जवान, हवलदार और जेसीओज, उनकी पेंशन में कितनी वृद्धि हुई, 4% से लेके 12% तक। अब इसमें और चीज देखें आप कि जो उसमें वृद्धि हुई है 4% से लेके 12%, इसमें भी जो जवान है इसमें भी दो तरह के उन्होंने ग्रुप बना दिए, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। जो एक्स ग्रुप है उनको जो पेंशन मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है, और जो वाई ग्रुप है उनको पेंशन उनसे कम मिल रही है। ऐसा क्यों है, एक ही लेवल पे अगर है और एक ही उसकी सर्विस की लेंथ है तो जो बेस निश्चित हुआ था, जिस आधार पर उसको पेंशन उस तरह से मिलनी चाहिए थी, समान रैंक की समान पेंशन, तो उसको क्यों नहीं दी जा रही है। माना टेक्निकलिटी के आधार पर या किसी और उसके आधार पर, जैसे कोई ऑपरेटर है, जो कोई मैकेनिकल है, एयरफोर्स में है, नेवी में है और आर्मी में भी है, उस आधार पर जब सर्विस में है व्यक्ति तो मान सकते हैं कि सर्विस में क्योंकि उसका काम ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, उस आधार पर आप अंतर करते हैं तो ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद, पेंशन आने के बाद, तो उसका कोई काम नहीं है, सबके सब बराबर ही हैं, उनका कहीं कोई ऐसा नहीं है कम ज्यादा काम कर रहा है, ये ज्यादा काम कर रहा, पेंशन तो पेंशन आ गई, कोई काम नहीं कर रहा, उस आधार पर अंतर क्यों है। और यह तय हुआ था कि भाई जो एक तो इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, दूसरा जो मैक्सिमम है पेंशन वो दी जाएगी। तो जो एक्स वाले को मान लेते हैं, एक कि माना एक्स वाले को 10,000 मिल रही है, वाई वाले को 6,000 मिल रही है, उसे 6,000 क्यों मिल रही है, उसे भी 10,000 मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं ऐसा था कि जो 10,000 है उस वाले की 6 कर दो, नहीं, 10,000 वाले की 6,000 नहीं करनी, 10,000 वाले की 10,000 ही रहनी है, लेकिन जिसको 6,000 मिल रही है उसको बढ़ा के 10,000 करना चाहिए, यही नियम है। लेकिन कुछ ऐसा घालमेल हुआ
कुछ ऐसी लीडरशिप हुई। और हमेशा मैं जो मानता हूं, यह मेरे जीवन का बड़ा अनुभव है, कड़वा अनुभव है, कि जब भी धोखा होता है, जब भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो जो संगठन होते हैं, जो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके जो लीडरशिप होती है, उसकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। या तो कोई सरकार से मिल जाता है, मिला हुआ होता है, सरकार का आदमी होता है, और या वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर जाए, बाकी जो है भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी दिक्कत आती है उन संगठनों की जो लीडरशिप है उसमें दिक्कत आती है, जिसकी वजह से सारा खेल बिगड़ जाता है। तो ये जो अंतर है कि जब एक ही रैंक है, एक ही सर्विस लेंथ है, और जो मैक्सिमम आप जिसको दे रहे हो पेंशन, वही सबको क्यों नहीं दी जाती। और जो एक्स ग्रुप में जिन्हें बना रखा है, एक्स ग्रुप में बस केवल 6% लोग हैं जो सेना से रिटायर्ड हुए, जो पेंशन लेने वाले जवान्स में, जेसीओज में, जो एक्स ग्रुप में जिनको रखा गया, वो उनकी संख्या 6% है। और जो 94% है, 94% जो है वो दूसरे हैं, वो दूसरे जवान हैं जिनको वाई ग्रुप में रखा गया। तो जो वाई ग्रुप वाले हैं वो भी एक्स ग्रुप के बराबर ही पेंशन लेने के अधिकारी क्यों नहीं है? और सरकार ने वादा करने के बाद भी आज तक उनको ये पेंशन क्यों नहीं दी है? दूसरा, इसी तरह से फैमिली पेंशन में जो है वो है दिक्कत, फैमिली पेंशन में भी अंतर है। तो आप फैमिली पेंशन को भी जो ज्यादा मिल रही है वो क्यों नहीं दे रहे, ताकि सभी जवानों को बराबर पेंशन मिल सके। तो सरकार का जो काम था, सरकार ने जो लोगों से वादा किया, रेवाड़ी मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो आज की तारीख में जनरल वीपी सिंह है वो भी उस समय थे, उन्होंने क्यों, सब लोगों ने जवानों से वादा करने के बाद भी जो उनका हक बनता था, वन रैंक वन पेंशन, समान पेंशन, आज तक भी क्यों नहीं दी है, जो कि उन्हें देनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। ये जो असमानता है ये बहुत ही गलत है, और मैं मानता हूं ये सैनिकों का अपमान, जवानों का अपमान करना है। इसके अलावा और देखिए साथियों, और अंतर है। केवल एक जगह अंतर होता तो मैं मान लेता कि चले एक ही जगह है, इसको दूर करना चाहिए, पर अंतर सेना में कई जगह है, ऑफिसर्स में, जवान के बीच में कई जगह अंतर है। मैं मानता हूं कि जो ऑफिसर्स हैं वो जिस तरह की एजुकेशन लेके आते हैं, जिस तरह का वो कंपटीशन वगैरह देख के पास करते हैं, निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी होती है उसके हिसाब से वो उस कई चीजों के लिए डिजर्व करते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सैनिक हैं उनको आप अपमानित ही करते रहे। इस तरह से देखिए आप, मैं एक इसका आपको उदाहरण यहां से लेता हूं। जब एक जवान सेना में भर्ती होता है तो जिस समय उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान उसको एक फटीक बोलते हैं, फटीक, उस फटीक के हिसाब से जाना पड़ता है। जो अधिकारी होते हैं उनके यहां घरों में जाके काम करना पड़ता है, चाहे उनके घरों के लोन की घास काटें, गमलों में पानी लगाएं, या और कोई काम करें, या कपड़े धोएं, या कुछ इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें फटीक के दौरान सैनिक करते हैं। सैनिक क्या इस काम के लिए है? इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स के घरों में सैनिक काम करते हैं, उनके बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं, झाड़ू वगैरह का काम होता है, खाना बनाने का काम होता है, बर्तन धोने और कपड़े धोने तक का भी काम होता है। क्यों करेगा जवान? क्या वो जवान, वो सैनिक ये काम करने के लिए है क्या? या वो देश की सेवा के लिए गया है, देश के लिए संघर्ष करने के लिए गया है, देश के लिए बलिदान करने के लिए गया, उसके लिए काम करेगा वो? तो ऐसा क्यों किया जाए कि उसको इतना अपमानित? क्या आप नहीं मानते कि इस तरह से जो हमारे सैनिक हैं उनके स्वाभिमान को कुचला जाता है, उनको सम्मान नहीं, अपमानित किया जाता है? अगर अधिकारी हैं और उन अधिकारी को सुविधा देना सरकार चाहती है, बहुत अच्छी बात, आप दीजिए, कोई मना नहीं करता। क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें
तो आईएएस लोग हैं, आईपीएस लोग हैं, आईपीएस के यहां भी जो सिपाही हैं वो जाके काम करते हैं, लेकिन जो आईएएस लोग हैं उनके यहां पर अगर उन्हें चाहिए तो उनके लिए नौकर होते हैं। अब जैसे जजेस हैं उन जजेस के लिए भी नौकर सलाहों हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके लिए भी नौकर दिए जाते हैं, काम करने के लिए घर में दिया जाता है। ठीक इसी तरह से सेना में जो ऑफिसर थे उनके यहां भी अगर आपको सुविधाएं देनी तो दीजिए, आप वहां खाना बनाने वाले दीजिए तो खाना बनाए, बर्तन मांजे और झाड़ू पोछा लगाए, दीजिए ना आप उनको सुविधाएं दीजिए, पर वो काम सैनिक क्यों करेगा? आपको कपड़े धोने वाले उनको देने ही दीजिए, उनके बंगलों में जो साफ सफाई करने वाले, घास काटने वाले, गमलों को पानी देने वाले, पौधों को पानी देने वाले, बिल्कुल आप दीजिए उन्हें सुविधाएं। एक उन्हें नौकर दीजिए, दो दीजिए, जितनी आप समझते हैं कि इतनी सुविधाएं हमें अपने अधिकारी को देनी है, बहुत अच्छी बात, दीजिए आप, वो डिजर्व करता है, दीजिए। लेकिन ये काम सैनिक क्यों करेगा? ये काम सैनिक का नहीं है ना। सैनिक किसी अधिकारी के घर में काम करने नहीं गया, नौकरी करने नहीं गया, वो अधिकारी का नौकर नहीं है, वो देश का सैनिक है, और देश के सैनिक का स्वाभिमान है, सम्मान है, उस स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए, सम्मान को बढ़ाया जाना चाहिए और उसे उसी हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। वो किसी के घर में जाके अधिकारी के में काम क्यों करेगा? यह परंपरा बहुत गलत है। यह परंपरा अगर ब्रिटिश पीरियड की रही हो सकता है उस समय की ही जो परंपरा रही हो, क्यों? क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स थे, तो उसमें जो ऑफिसर्स होते थे वो सारे ब्रिटिशर्स होते थे, अंग्रेज होते थे, और बाकी जो नीचे के रंग रूट है वो सारे के सारे जो है भारतीय होते थे। तो उनके अंतर के लिए और उनको ये एहसास कराने के लिए कि हम तुम्हारे अधिकारी हैं, हम तुम पे हुकूमत करने आए, तुम गुलाम है, उस समय की वो परंपरा होगी, और उस समय वो लोग उन लोगों से काम कराया जाता होगा, घर का बाहर का जो भी है वो सारा सब कुछ, वो एक उस समय की परंपरा रही हो। आज तो नहीं, आज तो संविधान के आधार पर चलने वाला गणतांत्रिक देश है, स्वतंत्र देश है भारत। तो इस स्वतंत्र भारत में जो हमारे जवान हैं, जो हमारे जेसीओज हैं, जो सैनिक है हमारे, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका स्वाभिमान होना चाहिए, उनके स्वाभिमान को बढ़ाना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उसको कुचला नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए घर में काम करने के नौकर का जो काम करते हैं वो सैनिकों से कराना बंद करना चाहिए। मैं मानता हूं कि सैनिक की आवाज को नहीं उठा सकते क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड फोर्स है, एक अनुशासित सेना है, जवान है, वो ये नहीं उठा सकते। लेकिन जो नेता हैं, जो एमपी हैं, वो तो ये बात उठा सकते हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, सरकार में हैं, जो विपक्ष में हैं, वो तो ये बात उठा सकते हैं कि ये जो भेदभाव सेना में किया जा रहा है और जवानों का जो अपमान किया जा रहा है, उनके स्वाभिमान को जो कुचला जा रहा है, ये बंद किया जाना चाहिए। ये तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं उठा रहे, क्या उन्हें सेना से कुछ लेना देना नहीं है, या उन्हें किसी तरह का डर है, या वो जानते ही नहीं है, कुछ भी हो सकता कारण, लेकिन ये गलत है। तो ये जो भेदभाव है ये बंद होना चाहिए। एक बात इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि जो मैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अर्धसैनिक बल है, उनकी बात नहीं कर रहा, वो भी मैं आज करूंगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अभी सेना की बात कर रहा हूं। तो सेना में एक रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, बताई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, शायद बताई गई थी एक सवाल के जवाब में, कहीं कुछ है मेरी जानकारी ऐसा है, कंफर्म अभी नहीं है बट मैं कर दूंगा इसको। उसमें कहा यह गया है कि सेना में हर साल 100 से लेकर 150 तक जवान सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि आत्महत्या क्यों है, जवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, जवान के सामने ऐसी क्या दिक्कत है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी या सुसाइड करना पड़ रहा है? क्या ये जो जिस तरह से उसका स्वाभिमान कुचला जाता है, अपमानित किया जाता है, क्या यह भी उसका एक कारण है? या एक और कारण हो सकता है कि जो माना जरूरत 10 जवानों की है और 10 जवान की जगह 5 ही जवान हैं और 5 जवानों को 10 जवानों का काम करना पड़ रहा है, तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, डबल काम करना पड़ रहा है, उसका भी प्रेशर है, क्या इस वजह से जवान जो है सुसाइड कर रहे हैं? ये क्या कारण है जो हमारे जवान सुसाइड कर रहे हैं? और एक इंफॉर्मेशन इस तरह की है, ये
जो सैनिकों के ही माध्यम से है, एक इंफॉर्मेशन ये है कि जितने अब तक जो हमारे युद्ध वगैरह हुए हैं, जितने भी मतलब हमारी भिड़ंत हुई है, उसमें जितने जवान हमारे शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा जवानों ने आज तक हमारे देश में आत्महत्या की है। तो ये इतनी गंभीर परिस्थिति है, क्या इसको सामान्य समझा जा रहा है कि जवान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? इस बात को गंभीरता से लेकर इसका बिल्कुल समाधान करना चाहिए, जवानों से जवानों की समस्या सुननी चाहिए, क्या बात है, जिससे हमें पता लगे एक्चुअल में कि जवान क्या महसूस कर रहे हैं, किस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, किस वजह से यह स्थिति उनके सामने खड़ी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका समाधान करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा और एक स्तर पर भेदभाव देखिए साथियों, जो कैंटीन है, सीएसडी कैंटीन, डिफेंस की जो कैंटीन होती है, उस कैंटीन में भी एक बड़ी अजीब स्थिति, उसमें भी दो तरह की स्थिति है। एक स्थिति यह है कि जो ऑफिसर्स हैं, बताया जाता है कि ऑफिसर्स को 9,000 रुपए तक की वो खरीद कर सकता है महीने में, लेकिन वही जवान और जेसीओ वो 4,000 से 5,000 रुपए तक की, आज शायद 5,000 कर दिया गया है, 5,000 तक की खरीद कर सकता है। मतलब जो खाने पीने का या नहाने धोने का, पहनने वगैरह का जो सामान खरीदते हैं, मतलब ऑफिसर्स के रैंक में और इसमें, अगर इसको उतना ही कर दिया जाए कि जितना ऑफिसर्स खरीदते हैं उतना ही का, उतने का सामान ही जवान भी खरीद सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर जो व्यक्ति खरीदेगा, भाई कोई भी व्यक्ति है, हैसियत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से तो खरीदेगा, उससे ज्यादा तो नहीं खरीदेगा। अगर वो माना 4,000 रुपए का या 3,000 रुपए का महीने में खर्च कर सकता है अपने खाने पीने या उस सामान पे जो कैंटीन से खरीदा जा सकता है, तो उतना ही खरीदेगा। अगर कोई ज्यादा कर सकता है तो उतना खरीदेगा। तो क्यों ना इसको भी बराबर कर दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी इतना बड़ा अंतर क्यों है? एक बात। दूसरी बात, एक बड़ी जबरदस्त बात है जिसके विषय में मैं समझता हूं उसको समझना बहुत जरूरी है कि एक जवान जेसीओस लेवल तक, एक जवान अपनी सर्विस में रहते हुए एक गाड़ी खरीद सकता है, और सर्विस से रिटायर होने के बाद जब वो पेंशन आता है तो वो पेंशन के बाद भी केवल एक गाड़ी खरीद सकता है, केवल एक। वहीं पर जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उनको गाड़ी हर 4 साल में खरीदने का उनको अधिकार है। बहुत अजीब सी स्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों है। और इसमें भी एक अंतर है कि जो जवान है वो जवान 1400 सीसी तक की ही गाड़ी खरीद सकता है, और जो ऑफिसर है वो 2500 सीसी तक की गाड़ी खरीद सकता है। ये जो अंतर है, और जवान केवल अपने पेंशन आने के बाद, रिटायर होने के बाद केवल एक गाड़ी, और वो 4 साल में बदल सकता है, क्यों भाई? अगर माना सरकार की नीति ये है, जो सरकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी नीति यह है कि एक गाड़ी जो पेट्रोल की है वो 10 साल में बेकार हो जाती है, डीजल की है 15 साल में बेकार हो जाती है, तो यही फार्मूला वहां क्यों नहीं लागू होता कि भाई 10 साल में है तो 10 साल में, अगर उसकी खरीदी आपने पेट्रोल की तो 10 साल में, डीजल की खरीदी है तो 15 साल में, क्या उसके नियम से अलग स्थिति है ये? ऐसा क्यों है? इसके अलावा जो जवान है उसके साथ ये क्यों है? अगर जवान की किसी की कैपेसिटी है कि भाई वो 2500 सीसी तक की खरीद सकता है तो उसे खरीदने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? व्यक्ति खरीदेगा तो वही ना, जो उसकी कैपेसिटी है उससे बाहर तो खरीद ही नहीं सकता। ये जो भेदभाव है इसे क्यों ना एक समान कर दिया जाए कि दोनों के लिए यह नियम बना दिया जाए कि जवान हो या ऑफिसर हो, वो व्यक्ति जो गाड़ी खरीदेगा वो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, पेट्रोल की है तो 10 साल में बेकार हो जाएगी, डीजल की तो 15 साल में, तो पेट्रोल की खरीदनी है तो 10 साल बाद खरीद सकता, डीजल की खरीदनी है तो 15 साल बाद खरीद सकता। ये नियम जितने भी अधिकारी हैं सेना के और जितने भी जवान हैं उन सबके लिए बराबर करने में क्या दिक्कत है सरकार को? और सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या दिक्कत है सरकार को यह सारी चीजें करने में, जो सरकार इतनी राष्ट्रभक्त है और सेना के नाम पर जो वोट मांगती है, सेना को वोटों के लिए जिस सरकार ने इस्तेमाल किया है
वो सरकार क्या सैनिकों की इतनी बात भी सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, उन्हें उनका यह हक देने को तैयार नहीं है? क्यों? कहां है ध्यान आपका? क्या सरकार का सारा ध्यान एमएलए एमपीओं को खरीदने पर, विपक्ष की सरकारों को गिराने पर और अपनी सरकार बनाने पर ही है? सिर्फ इसी पर ध्यान है? सैनिकों के साथ ये जो भेदभाव हो रहा है, यह सेना में ये जो अंतर है, इस अंतर को दूर करके सबको एक समान स्तर पर सुविधाएं देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत मैंने मानता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसको समान किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह का एक भेदभाव, एक असंतोष नहीं हो। दूसरा एक और अंतर है साथियों, मैं यही कह रहा हूं कि केवल एक बात नहीं है, बातें कई हैं, अंतर कई हैं, भेदभाव कई स्तर पे हैं। एक और भेदभाव साथियों आप देखिए, जिसके विषय में आप सबको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक एमएसपी है, यानी मिलिट्री सर्विस पे, एक ये बहुत वो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जो लोग सेना में हैं, जो सेना की सर्विस कर रहे हैं, उनको एक ये पे मिलती है। अब इसमें अंतर देखिए कि जो सैनिक है उस सैनिक को मिलने हैं 5,000, जो नर्सिंग स्टाफ है उसको मिलने 10,000, और जो ऑफिसर्स हैं उनको मिलने 15,000। आप जरा इसको देखेंगे कि जो सैनिक है सीमा पर तो वही होता है, जो फ्रंट पे खड़ा है वो सैनिक ही है, उसके साथ मैं मानता हूं कि कैप्टन रैंक के और कभी कभी होता है कि मेजर रैंक के ये जो लोग हैं ये भी होते हैं, लेकिन जो फ्रंट पे है वो तो सैनिक ही है ना। तो सैनिक को वैसे तो होना चाहिए कि उससे ज्यादा मिलना चाहिए, उलट होना चाहिए कि जो लोग ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, इसी कमरों में बैठकर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनको जो ये बेनिफिट मिला है, उनको ये बेनिफिट जो सेना में जो वहां पे फ्रंट लाइन पे है, मोर्चे पे है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए, और जो घर अपने ऑफिस में बैठे उनको कम मिलना चाहिए। पर अगर ये नहीं तो आप इसको समान ही कर दें। अगर आप 15,000 ऑफिसर को दे रहे हैं तो 15,000 ही नर्सिंग स्टाफ को भी और 15,000 ही जो हमारे जवान हैं उनको भी इतना ही दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ये अंतर क्यों है? जो व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है, जिसकी जिंदगी ज्यादा जोखिम में है, जो अपनी जान को हथेली पर लेकर देश की रक्षा कर रहा है, लगातार फ्रंट पर है, उसको आपको यह देने में क्या दिक्कत है? तो आप अगर उसको कम ज्यादा, मतलब अगर उसे ज्यादा नहीं देते दे सकते जवान को, तो बराबर ही कर दीजिए, इसको बराबर नहीं होना चाहिए। मैं जनता से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, क्योंकि आपके टैक्स पेयर्स का पैसा है ये जो जाता है उनको, तो आप भी इस बात को बताइए कि क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ को, ऑफिसर्स को और जवान को? ये एमएसपी जो है आप इसको बराबर कीजिए। दूसरा यहां एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें आप अगर देखें जो जवान है, उस जवान के सेना में भर्ती होने की उम्र है 18 साल, 18-19 साल की एज में वो भर्ती हो जाता है और 16-17 साल की उसकी सर्विस होती है, यानी 35 साल में किसी को 40 में, मैक्सिमम जवान जो है उनको 35 साल में रिटायर कर दिया जाता है, उनको पेंशन दे दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी सेना की जो है ऊर्जा बने रहने के लिए, मजबूती बने रहने के लिए ये उम्र जो रखी गई, इसका जो बैरियर लगाया गया, ठीक है मैं मानता हूं इसको कि ये जरूरी है कि नौजवान जो सैनिक है हमारे वो चाहिए, उनका हौसला बुलंद होता है, उनकी जो शक्ति है वो ज्यादा होती है, ये होना चाहिए। लेकिन साथियों इसके अलावा जब ये सारी चीजें, आप दूसरी चीज को देखिए कि एक सैनिक 18 साल में भर्ती हुआ, 35 साल की उम्र है, आपने उसको पेंशन देके घर भेज दिया, लेकिन उसके बाद वो क्या करे, उसके 35 साल की उम्र के बाद में वो क्या करे, इसका कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। जहां ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स के रिटायर होने की उम्र 55 साल से लेके 60 साल तक है, 55 साल से 60 साल तक है, तो ऑफिसर्स को इतना वो मिलता है और 55 साल से 60 साल तक उसकी सर्विस बरकरार रहती है, वो सुविधाएं उसको सारी मिलती है, लेकिन जो सैनिक है उस सैनिक को 35 साल में पेंशन देके आप घर भेज देते हैं। उसके बाद वो क्या करे, किस जॉब में जाए, उसकी कोई आप व्यवस्था नहीं करते, कोई गारंटी नहीं है।
क्या सरकार को नहीं चाहिए कि सरकार जो सेना से रिटायर होने वाले हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, 35 साल के बाद भी कम से कम 60 साल की उम्र तक, जो और जो सर्विस में है जहां भी उनकी जो उम्र है 60 साल 58 साल, उसी उम्र तक के लिए उनकी सेना से निकलने के बाद नौकरी की व्यवस्था करे? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या यह सरकार को नहीं करना चाहिए कि उनकी नौकरी की व्यवस्था करे? अगर और भी कुछ नहीं है तो वो जवान है, वो वेल ट्रेंड है, डिसिप्लिन्ड है, भाई अभी कहीं नहीं हो सकते, तो आप उनको जो स्टेट की जो पुलिस फोर्स है, आप पुलिस फोर्स में दीजिए उसको जिम्मेदारी, उसको पुलिस फोर्स में रखिए आप उनको। इसके अलावा और रख सकते हैं आप कि जो CISF के जो जवान हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज वगैरह हैं और जो उसके प्रतिष्ठान है उनकी जो सुरक्षा करते हैं, उस सुरक्षा में जो लगाए जाते हैं CISF के जवान, आप उनको CISF में भेज दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो कम से कम जो हमारे पास डिसिप्लिन्ड फोर्स है, डिसिप्लिन्ड हमारे पास जवान हैं, सैनिक हैं, उनकी सेवा लगातार देश को मिलती रहे, इसमें क्या उनको रोजगार भी मिल जाएगा और एक ट्रेंड जो है फोर्स भी मिल जाएगी। जो ट्रेनिंग पे खर्चा होता है पुलिस में और उसमें, वो सारा खर्चा भी बच जाएगा। तो आपको वेल ट्रेंड जवान मिले, ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? या इसके अलावा कहीं और भी हो सकती है, क्या यह सरकार को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि सैनिकों को 35 साल के बाद निश्चित रूप से उनको नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए? क्यों यह जरूरी है? साथियों, 18 साल की उम्र में शादी हुई, 18 साल की उम्र में वो सेना में भर्ती हुआ और जब नौकरी लग जाती है उसकी के बाद में उसकी शादी की बात होती है। मान लिए 22-23-24 साल की है, 25 साल तक की उम्र तक की उसकी शादी हो गई, 35 साल में रिटायर कर दिया। रिटायरमेंट के समय उसके बच्चे कितने होते हैं? 10-12 साल के वो बच्चे होते हैं। तो अब जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत है नौकरी की और सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों की परवरिश की, पैसे की, आपने उसको पेंशन दे दी और पेंशन में आप वो भेदभाव कर रहे हैं, जवानों के साथ जो भेदभाव है, एक्स ग्रुप बना दिया, वाई ग्रुप बना दिया और जवानों की पेंशन मात्र 4% से 12% आपने बढ़ाई। क्यों उसी पेंशन को आप इसको ज्यादा नहीं करते? क्यों उस पेंशन को जो मैक्सिमम है उसके लेवल मिला के जो एक्स वालों को दे रहे हैं उन्हीं के बराबर आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ये सारी चीजें ये सरकार को करनी चाहिए, सरकार ही करेगी। ऐसा क्या है? सरकार अपने खर्चे कभी नहीं कम करती। वर्तमान में जो भारत सरकार है, सारे उसने नौकरियां खत्म कर दी, सारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनको बेच दिया और उसके बावजूद भी सरकार का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। क्यों भाई? सरकार जो MLA है, MP है, ये अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा लेते हैं। ये सैनिकों का इन्हें ध्यान नहीं आता कि इनके लिए भी किया जाए। देश के प्रधानमंत्री पर 600 करोड़ रुपए सालाना का उसका सिक्योरिटी का बजट है, एक प्रधानमंत्री का 600 करोड़ सालाना सिक्योरिटी का बजट, और तकरीबन 2000 करोड़ रुपए सालाना के प्रधानमंत्री पर खर्च होते हैं आवागमन, ये वो अगड़म झगड़म। क्या सैनिकों को देने के लिए पैसा नहीं है? सैनिकों को नहीं दिया जाना चाहिए? उनका सम्मान और स्वाभिमान बरकरार नहीं होना चाहिए? उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए सर। अब दूसरी बात यह है साथियों, अब इसको देखो कि ऑफिसर रिटायर होता है 55 से 60 साल की उम्र में और सैनिक जो रिटायर होता है वो रिटायर होता है 35 साल की उम्र में। अब आ जाते हैं हम ECHS, एक स्कीम है, वो है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, यानी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसी तरह की ये है, ये कंट्रीब्यूटरी है, यानी कि जो भी उस हेल्थ फैसिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं वो उसके मेंबर होंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके आधार पर उनको मिलेगा। अब इसमें आप एक भेदभाव देखिए, बहुत जबरदस्त इसमें भी भेदभाव है कि जो हर महीने इन ECHS में जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन सबका समान है, सभी का बिल्कुल समान है, 1000 रुपए महीने उसमें जाते हैं, लेकिन फैसिलिटीज में अंतर है। फैसिलिटीज में अंतर क्यों है भाई? अगर एक जवान, जो जवान है वो भर्ती होता है तो वो जनरल वार्ड में, जो JCOs हैं वो अगर भर्ती होते तो सेमी प्राइवेट वार्ड में, और जो ऑफिसर्स हैं वो प्राइवेट वार्ड में, सबको एक समान क्यों नहीं दिया जाता जब कंट्रीब्यूशन सबका बराबर है? क्योंकि ये कंट्रीब्यूटरी है
और जो भी व्यक्ति इसके मेंबर बनते हैं वो अपनी इच्छा से बनते हैं, स्वेच्छा से बनते हैं, वो ऑप्ट करते हैं कि भाई हम इस स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं। उसके बाद ही उनकी जो मेडिकल अलाउंसेस है वो कटते हैं, वो सीधे कट के उसमें जाते हैं, सबका समान रूप से कटता है इसमें, तो फिर समान फैसिलिटी देने में क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि भाई जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिसर्स, जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो वन टाइम कंट्रीब्यूशन जो अपना देते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा है, उनका जो जवान है उसका 3 गुना है, और जो उसके नीचे के ऑफिसर्स हैं उसका जवान का 2 गुना है जितना जवान का है। माना ये माने कि जवान अगर 60,000 देता है वन टाइम, तो उसके ऊपर का जो ऑफिसर है, जेसीओ है, जिसको भी आप मान लें, वो 1 लाख देता है, और उसके ऊपर का जो है वो देता है करीब 1,60,000, ऐसे एक मान लें, एक समझने के लिए हम इसको समझे, अगर वो उतना देता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो जो जवान है वो रिटायर कितने में हुआ, 35 साल में। अगर 35 साल में उसकी जो और 15 साल की सर्विस अगर जोड़ दी जाए, और उस 15 साल का 1,000 रुपए के हिसाब से पर ईयर का अगर जोड़ दिया जाए तो 1,80,000 रुपए होता है उसका। अगर 1,80,000 रुपए उसको होता, अगर मानो उसको सर्विस मिल रही होती 58 साल तक, या जो 55 साल तक या 60 साल तक, तो उसको इतना मिलता ना, 80,000 है या 2 लाख, 1,80,000 है या 2,40,000 होता उसका, अगर उसकी लेंथ सर्विस की उतनी होती। उसको आपने पहले रिटायर कर दिया तो उसको जो कंट्रीब्यूशन है इसीलिए उसका वो जो वन टाइम है वो कम है, लेकिन मंथली तो बराबर है, तो उसको सुविधाएं भी एक ही समान क्यों नहीं दी जाती। एक उदाहरण एक सैनिक बता रहे थे, तो उन्होंने जो बताया मैं बताता हूं कि एक जवान की वाइफ को कैंसर हो गया, और जो ECHS के जो हॉस्पिटल है उनमें कहा कि भाई यहां नहीं हो सकता इलाज, प्राइवेट में कराओ, तो प्राइवेट में जाके जब उसने भर्ती किया, उसको जो वहां पे खर्चा आया वो खर्चा लाखों में आया। उसने अपने डिपार्टमेंट से कहा तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई हम तो दे नहीं सकते क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जवान हैं, ऑफिसर्स उसके लिए एंटाइटल थे, तो जवान क्यों नहीं उसके लिए एंटाइटल है? अगर ऑफिसर एंटाइटल है तो जवान क्यों नहीं उसके लिए एंटाइटल है? ये जो भेदभाव है, ये जो असमानता है, मेरा मानना यह है कि यह असमानता खत्म होनी चाहिए। जब तक ये असमानता बनी रहेगी, मैं नहीं समझता कि हम अपनी सेना का सम्मान कर रहे हैं या उसके स्वाभिमान को हम बरकरार रख रहे हैं। बढ़ाने की तो बात ही अब छोड़ दी, ये खत्म होना चाहिए। अब एक और चीज जिसमें मैं साथियों आपसे बात करना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है। साथियों, जो सेना है और जो अर्धसैनिक बल है, आप देखेंगे इनमें भी बहुत अंतर है। ये भी बहुत जरूरी है इसको जानना समझना। अर्धसैनिक बल में कौन है? सेना को तो है, आप जानते हैं कि सेना कौन है। जो अर्धसैनिक बल हैं वो कौन कौन से हैं इसको भी समझें। जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं जैसे BSF है, CRPF है, CISF है, RAF है, ITBP है, SSB है। ये जो हैं ये हैं अर्धसैनिक बल, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब आप देखिए कि सेना का जो बॉर्डर पर, सीमा पर जब जाती है, वो तब जाती है कि जब युद्ध होता है। अगर युद्ध नहीं है तो सेना सीमा पर नहीं होती। युद्ध न होने की स्थिति में सीमा पर होते हैं BSF के जवान, CRPF के जवान या ITBP के जवान। ये लोग सीमा पर होते हैं जो 2400 घंटे देखभाल करते हैं। आप जब भी देख रहे होंगे सीमा पर जो भी कभी कभी दिखाई जाती है न्यूज में, वो उन्हीं की है, उन्हीं की वो दिखाई जाती है जो हमारे CRPF के जवान हैं या हमारे ITBP के और ये जो BSF के जवान हैं, वो दिखाए जाते हैं गश्त करते हुए। उनकी हमेशा 2400 घंटे वहां पर ड्यूटी रहती है। तो उसमें जब यह होता है कि वो सीमा पर अगर हैं और कहीं से मानिए कि पाकिस्तान को ही मानिए कि उसने जो सीज फायर उसका उल्लंघन किया, गोलीबारी कर दी और उसमें हमारे जवान शहीद हो गए, जो हमारे CRPF के जवान है, जो BSF के जवान है, वो शहीद हो, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं है, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता सरकार में।
मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं दिया जाता उन अर्धसैनिक बलों को जो 2400 घंटे सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, सेना से भी ज्यादा वो रक्षा करते हैं, उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? और एक शहीद के परिवार को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं उनके परिवार को क्यों नहीं दी जाती हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। जबकि जॉब उसका मैं कह सकता हूं सेना से किसी हालत में कम नहीं है। सेना तो जब लड़ाई हो रही है, जब हमला है देश में, तभी है वो तो 2400 घंटे हैं और कितने प्रेशर में काम करते हैं आप सब जानते हैं, तो उनको सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक और स्थिति है वहां भी जो ये मैंने सारी की सारी चीजें आपको बताई, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, उन सारी चीजों में एक चीज देखें आप कि एक चीज आप उसमें देखें कि जो बाकी और सुविधाएं हैं सेना को, जैसे मेनली आपको मैं बताऊं, मैंने ये जो जितनी चीजें बताई जो सैनिकों के साथ ये हो रही है वो वहां भी है, ये डिस्क्रिमिनेशन वहां भी इसी तरह का जैसे यहां सेना में है वो वहां भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है कि जो वहां पर जो जो और फैसिलिटी है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं सेना के लिए बाकायदा प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सारी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं अर्धसैनिक बलों के लिए उपलब्ध नहीं है। उनके यहां जो उनके ग्रुप कैंप्स हैं वहां में डॉक्टर हैं, जरूर हैं, लेकिन अगर कोई बात हो जाए तो जैसे सेना के अपने हॉस्पिटल सारी फैसिलिटी वहां है वो उनके वहां नहीं है, उनको भेजना पड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट जिस एरिया में वो तैनात है वहां के जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होंगे वहां पर उनको जाना पड़ेगा। तो जो फैसिलिटी सेना को है, क्योंकि सेना की ही तरह उनका काम है, उनको भी उपलब्ध क्यों नहीं है? वो उनको भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन ये भेदभाव लगातार चल रहा है और अफसोस इस भेदभाव के विषय में कोई बोल नहीं रहा, कोई नेता नहीं बोल रहा, कोई पार्टी नहीं बोल रही, कोई एमपी नहीं बोल रहा, कोई एमएलए नहीं बोल रहा, पक्ष तो जो सरकार में है वो तो बोली नहीं रहे, जो विपक्ष में है वो भी नहीं बोल रहे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, और ये भेदभाव मिटना जरूरी है, इस अंतर का खत्म होना जरूरी है ताकि हमारी सेना का स्वाभिमान बना रहे, हमारी सेना का सम्मान बना रहे और हमारे सैनिक खुशी खुशी जिस तरह से आज भी देश के लिए नौछावर हो रहे हैं, वैसे भी उस समय भी उनकी खुशी और कई गुना हो, ताकि उन्हें यह महसूस हो कि चाहे कुछ भी हो हमारी सरकार हमारा देश हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा, हमें पूरी सुविधा पूरा मान सम्मान और हमारे स्वाभिमान की पूरी रक्षा की जा रही है, यह सब कुछ होना चाहिए। मैंने इसीलिए आज ये वीडियो आपके सामने ये शेयर किया, इसीलिए मैं आज फेसबुक लाइव आया हूं साथियों, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें देश की जनता को मालूम नहीं है और देश की जनता को यह मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की जनता के पैसे से ही ये सुविधाएं नेताओं को हो, सरकारी अधिकारियों को हो, कर्मचारियों को, सेना को हो, पुलिस को और सैनिक बल को, कोई भी हो, सबको दी जा रही है टैक्स पेयर के पैसे से। तो टैक्स पेयर वाले को मालूम होनी चाहिए, टैक्स पेयर को यह पता होनी चाहिए कि आपके पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, यह सब कुछ होना चाहिए। मैंने इसीलिए आज ये फेसबुक लाइव किया। मैं साथियों जितने भी मेरे जो इस समय सैनिक साथी फौजी साथी मेरे जवान जो भी ऑफिसर्स हैं जो सब जुड़े हैं, मेरा किसी ये नहीं कहना है कि भाई ऑफिसर्स को ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन जो सैनिक हैं जवान हैं उनका स्वाभिमान सम्मान जरूर बरकरार रखा जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए और उनको उसी हिसाब से फैसिलिटी देनी चाहिए। साथियों मैं न केवल व्यक्तिगत रूप से भानु प्रताप सिंह, व्यक्तिगत रूप से भी एक सजग नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते और साथ में साथियों एक राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि यह सारी चीजें मैं देश की जनता के सामने लाऊं और मैंने यह प्रयास किया है। एक बार मैंने पहले भी
एक जो हमारे साथी हैं, जो एक मीडिया के साथी हैं, उनको भी मैंने ये इंटरव्यू दिया था, उसमें कई चीज थी, लेकिन आज उससे कई ज्यादा चीजें मैंने जो समझी हैं बताने का प्रयास किया है। लेकिन मैं साथियों आप सबसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पार्टी, मैं खुद हमेशा जो जवान हैं, जो सेना के हमारे सारे अधिकारी वगैरह सब हैं, हम चाहते हैं कि सबका सम्मान रहे, किसी को अपमानित ना किया जाए और जिसकी जायज मांगे हैं उन मांगों को माना जाए, पूरा किया जाए, असमानता जो है उसको दूर किया जाए। हम इसके लिए हमेशा साथ हैं, हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर लड़ेंगे। एक बात अब मैं और कहना चाहता हूं साथियों, हो सकता है मैं कुछ चीजें नहीं जान पा रहा हूं, नहीं कह पाया हूं, क्योंकि मेरी जितनी जानकारी है मैंने आपके सामने रखी है, सारी चीजें मैं नहीं भी जानता हूं। आप क्योंकि सेना में हैं या रिटायर हो गए, सेना में रहे हैं, आप बहुत सी चीजें जानते हैं। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, आपको इनके अलावा जो मैंने बातें बताई हैं और कुछ भी बातें अगर हों और आप समझते हैं कि इनको उठाया जाना चाहिए, इनको सरकार की जानकारी में लाना चाहिए, इनके लिए संघर्ष करना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट में आप लिखें, मुझे बताएं। मेरा नंबर आप सबके पास, वैसे तो पूरे देश के पास है, पर फिर भी मैं अपना नंबर बता देता हूं। मेरा नंबर है 858-79-799-47। फिर से बताता हूं, 858-79-799-47। आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हैं, इस जो फेसबुक लाइव की जो कमेंट है उस कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं ये सारी की सारी चीजें, ताकि मैं आपके साथ ईमानदारी से खड़ा हो सकूं और आपकी लड़ाई को लड़ सकूं। अब दो तीन बातें छोटी छोटी वो बतानी बहुत जरूरी है साथियों, सरकार नहीं दे रही है, सरकार की तो नीयतें आपको समझ में आ जाती हैं। मैं तीन उदाहरण से आपको बता दूंगा। सरकार जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध के बाद में कितने ही सैनिक हमारे जिनको गंभीर चोटें आई हाथ में पैर में, और वो किसी तरह से अब वो सामान्य काम करने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने मुकदमे डाले, लेकिन सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उनको कुछ भी दिया नहीं, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे डाले और उन्हें कहा गया कि आप सिद्ध करो कि हां आप उस समय वहां सेना में थे, आप उस समय वहां उस लड़ाई में थे और आपके साथ ये घटना वहां पर घटी। कितने ही लोगों के खिलाफ ये मुकदमे हैं, 20-22 साल हो गए कारगिल युद्ध को, अभी तक उनकी समस्या सुलझी नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे। जो सैनिक अपना जीवन दांव पे लगा के देश की रक्षा की, उसके साथ में यह व्यवहार होना चाहिए। क्या सरकार को नहीं चाहिए, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नहीं चाहिए कि उन समस्याओं का तत्काल समाधान करके उनको, सैनिकों को उनका हक दे, जो ऑफिसर्स हैं उनको उनका हक दे। मैं मानता हूं कि यह सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि ये वही सरकार है जिसके समय में पुलवामा हुआ और 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसमें कहीं कुछ भी नहीं है। एक आदमी देवेंद्र जो डीएसपी, उसको पकड़ा गया, उसको भी बेल मिल गई है, कहीं उसके विषय में कोई कार्रवाई नहीं है कि वो धमाका 350 किलो आरडीएक्स वहां कैसे पहुंचा, ऐसे इलाके में जहां बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है, कैसे पहुंच गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। कौन दोषी है उसके विषय में किसी का कुछ पता नहीं। 1.5 साल बाद अगर सेना के साथ इतनी भयानक घटना घटी है और आप अभी तक नहीं पता लगा पाए, तो बाकी और का क्या है? क्या यह माना जाए कि वो सब सरकार की का प्री प्लान थी, कहीं मिलके ही वो सब इलेक्शन का लाभ लेने के लिए, क्योंकि 2019 में मई में इलेक्शन था, आप सबको ध्यान है, अप्रैल मई में इलेक्शन था, और जो वो हुआ पुलवामा वाला वो 14 फरवरी को हुआ, आप सबको मालूम है। और अब चीन के साथ जो हुआ है, सरकार नहीं जाएगा, लेकिन वही प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारी कि लद्दाख में ना तो कोई वहां बाहर से आकर घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी एक भी पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो फिर ये बताएं कि हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए, हमारे 10 जवान जिनमें 4 सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, चीन ने कैसे बंदी बना के रखे, उनको बाद में छोड़ा, और कैसे हमारे 76 जवान
घायल हुए, इस बात का जवाब कुछ नहीं है अगर चीन घुसा हुआ नहीं है। मुझे मालूम है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं एक गंदी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार रेजिमेंट के वो थे और बिहार के भी पर्टिकुलर बिहार के उसमें कई जवान थे जिनके विषय में प्रधानमंत्री ने जो 125 दिन की जो रोजगार गारंटी योजना प्रवासी मजदूरों के लिए की गई उसमें खगड़िया से जिसकी शुरुआत करी बिहार में, उसमें जो बात कही गई तो वो भी कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा है। वो कहने की बात है बलिदान की, पर मुझे नहीं लगता कि उस बलिदान का कोई बदला लिया जाएगा, वो बलिदान हमारा बेकार नहीं जाएगा। ये स्थिति सरकार की है। और अब साथियों एक बहुत जरूरी बात, मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं आपके जो संगठन है उनके जो नेता हैं वो नेता सवालों के घेरे में हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उन नेताओं से भी और आपसे भी, इस समस्या की जड़ में जाइए, समझिए कि दोषी कौन है जिससे आपको आपका हक नहीं मिल रहा, 1 rank 1 पेंशन और जो सारी चीजें क्यों नहीं मिल रही है, उसके विषय में आप सोचिए, गहराई से उसका अध्ययन कीजिए, जाइए उसकी गहराई में। दूसरा साथियों मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं। साथियों आप कहते हैं, मैंने सुना है जवानों को, मैंने कहते सुना एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक मीटिंग थी तो जो आपके जवानों के ही जो एक संगठन है उस संगठन के पदाधिकारी, 3 पदाधिकारी बैठे हैं दिल्ली में जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीटिंग हुई थी पिछले साल, उसमें वो इलेक्शन से पहले वो कह रहे हैं कि जो भी ऑफिसर्स सेना के होंगे वो अगर किसी भी पार्टी से आते हैं उनको हमें हरा के भेजेंगे, उनको वोट नहीं डालेंगे, और या हम बाकी जो वोट डालेंगे नोटा पर डालेंगे। साथियों आप उनको वोट मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोटा पर वोट डालो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी हार जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां तो लोगों की वोट का मतलब ही नहीं है कुछ भी, यहां तो ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, ईवीएम से आपका वोट लूट लिया जाता है, तो आप नोटा पे डालो किसी पे डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप राजनीति से इतनी घृणा क्यों करते हैं? ये जो डिमांड आप रख रहे हैं किसके सामने रख रहे हैं? राजनीतिज्ञों के सामने रख रहे हैं ना, सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार किससे है? राजनीति से। आप खुद राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? जो जवान हैं हमारे, जो रिटायर हो चुके हैं, उनमें जो ईमानदार हैं, जो कर्मठ हैं, जो संवेदनशील हैं, जो अपने सारे जवानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी लड़ाई में टिके रह सकते हैं, कोई उन्हें डिगा नहीं सकता, वो लोग राजनीति में क्यों नहीं आते? होना तो राजनीति से ही है। ये राजनीति के बिना हल नहीं होगा, ये संसद में जाए बिना हल नहीं होगा, ये संसद से ही हल होगा, बिना उसके नहीं होगा। तो आप राजनीति से घृणा क्यों करते हैं? आप राजनीति में आते क्यों नहीं है? राजनीति में आके आप इलेक्शन लड़के एमपी बनके पार्लियामेंट में जाते क्यों नहीं है, ताकि आप अपनी आवाज वहां बुलंद कर सको और जो और लोगों के भरोसे रहते हो उनके भरोसे ना रहकर अपने दम पर अपने जवानों की आप आवाज उठा सको और उनका हक उन्हें दिला सको? क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं आते आप राजनीति में? राजनीति में घृणा करने से काम नहीं चलेगा, राजनीति में आने से, अंदर आने से और संघर्ष करने से और अपना हक लेने से ही बात बनेगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। आप चाहे जितनी नफरत करते रहिए, बैठे रहिए राजनीति से दूर, आप सिर्फ मांगने वाले होंगे। और मैं ये कहता हूं कि मांगने वाले नहीं, आप छीन लेने वाले बनो या देने वाले बनो। और जब संसद में पहुंचेंगे, सरकार में पहुंचेंगे, तभी आप छीनने वाले और देने वाले बनेंगे, उससे पहले नहीं कुछ होगा। तो राजनीति में आइए, आप हमें राजनीति कह रहे हैं, हम तो, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बहुत खुल के कहता हूं, मैं किसी सामाजिक उसकी बात नहीं करता, मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति से ही सब कुछ संभव है, आप माने ना माने। लेकिन एक महान विद्वान ने यह कहा है कि राजनीति में हिस्सा नहीं लेने का दंड यह होता है कि अयोग्य लोग आप पर शासन करने लगते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जिन्होंने संविधान लिखा, कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है, इसलिए वो जो ताले की चाबी, आप उस चाबी को अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? लीजिए अपने हाथ में, अपने भाइयों का हक दिलाइए, अंदर जाके संघर्ष कीजिए और जो आपका हक है उसे अपने आप छीन लीजिए। साथियों मेरा तो इतना ही कहना है, मैं फिर एक बार, कोई बात अगर रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कुछ साथी कहते हैं आप पहले कहां थे अब आए हैं, अब से पहले कहां थे? साथियों मैं ये पूछ सकता हूं कि माना कोई साथी सेना में भर्ती हुआ 2000 में, तो क्या उससे ये कहना चाहिए तू अब भर्ती हुआ सेना में 2000 में?
तो कहां था 1990 में, कहां था 1980 में, कहां था? यह सब बेकार की बातें हैं साथियों, इनका कोई मतलब नहीं है। हमें उन सभी साथियों को साथ लेकर चलना चाहिए जो हमारी परेशानियों को, दिक्कतों को, हमारी लड़ाई को, हमारे संघर्ष को ईमानदारी से समझते हों और लड़ने के लिए तैयार हों, हमारा हक दिलाने के लिए तैयार हों, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलें। हमें उन सबको साथ में लेना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।